आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर अयोध्या से है। 12 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों को आरोपी पक्ष कई दिनों से बरगलाने की कोशिश कर रहा था। निषाद समाज के अन्य लोगों के माध्यम से मामले में समझौता कराने के लिए तरह तरह के प्रलोभन भी दिए जा रहे थे। पुलिस की जांच और परिजनों के बयानों में एक एक कड़ियां खुल रही हैं। पूरा कलंदर थाना क्षेत्र में भदरसा में बालिका से दुष्कर्म के साथ सपा नेता एक दूसरे आरोपी राजू को संरक्षण देने का भी आरोप है। मूल रूप से सीतापुर निवासी राजू 2.5 माह पहले खेत में काम कर रही बालिका को बेकरी में काम करने के लिए ले गया था। दर्ज FIR के अनुसार पहले सपा नेता मोईद खान ने उसके साथ दुष्कर्म किया। राजू ने वीडियो बनाया और फिर बालिका को ब्लैकमेल करके उसने भी दुष्कर्म किया। बालिका की तबीयत बिगड़ने पर मामला उजागर हुआ तो आरोपी पक्ष के लोग परिजनों को तरह तरह के बरगलाने की कोशिश कर रहे थे। सूचना के अनुसार राजू घटना के बाद से ही सीतापुर में ही छिपा हुआ था। सुलह समझौता की कोशिश में नाकाम होने पर मुकदमा दर्ज हुआ तो एक एक कड़ियां खुलने लगी। हालांकि पुलिस इस मामले में अभी खुलकर कुछ बोलने से कतरा रही है। थानाध्यक्ष पूरा कलंदर देवेंद्र सिंह ने बताया कि विवेचना के तथ्यों की जानकारी किसी को नहीं दी जा सकती। लगातार कई दिन से चल रही कार्रवाइयों के बीच पहली बार आरोपी सपा नेता मोईद खान का परिवार भी सामने आया है। उन्होंने एक मीडिया चैनल पर अपना पक्ष रखा और कार्रवाइयों को राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता व एक तरफा बताया। उनके परिवार के आफ्ताब की पत्नी ने कहा कि DNA टेस्ट होना चाहिए, यह नाजायज व सरासर गलत हो रहा है। एक तरफा न्यूज दिखाकर बात को इतना बढ़ा दिया गया कि राजू ने थाने में बयान दिया कि मोईद खान की गलती नहीं है, उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि वह बेकरी में काम करता है, सपा का टैग इनके ऊपर लगा है, इसलिए राजनीति हो रही है। बेकरी में काम करने के अलावा राजू से कोई वास्ता नहीं था। मोईद खान के भाई अब्दुल इकरार खान ने कहा कि जो हो रहा है राजनीति के कारण हो रहा है। यहाँ से BJP चेयरमैन लोकसभा सीट सब हार गई है, उसी का बदला लिया जा रहा है। जाँच कार्रवाइयाँ, अगर दोषी है तो कार्रवाई हो, लेकिन दोषी नहीं है तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। वह खुद SO के बुलाने पर थाने गए थे, वहां से उन्होंने जेल भेज दिया गया। जिला महिला अस्पताल में भर्ती दुष्कर्म पीड़िता को संसाधनों के अभाव में अग्रिम इलाज के लिए KGMU रेफर कर दिया गया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एम्बुलेंस के से CMO डॉक्टर संजय जैन पीड़िता को लेकर लखनऊ के लिए रवाना हुए और भदरसा दुष्कर्म कांड की पीड़िता के गर्भ में 12 सप्ताह का भ्रूण पड़ रहा है। शारीरिक व मानसिक रूप से इसके लिए अक्षम होने के कारण उसका प्रसव भी संभव नहीं है। दूसरा विकल्प गर्भपात का है, लेकिन दोनों स्थितियों में पीड़िता की जान को खतरा बताया जा रहा है। जिला महिला अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक और जोखिमपूर्ण इलाज के लिए संसाधन पर्याप्त नहीं है, इसे लेकर CMO डॉक्टर संजय जैन ने सोमवार को महिला अस्पताल की CMS डॉक्टर विभा कुमार, अधीक्षक डॉक्टर आशा राम व अन्य विशेषज्ञों के साथ बैठक की। वार्ता के दौरान बालिका को लखनऊ रेफर करने का निर्णय लिया गया। बाल कल्याण समिति ने भी इसमें अपनी सहमति दी है तो सोमवार की दोपहर लगभग 12 बजे बालिका को कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। डॉक्टर अधीक्षक डॉक्टर आशाराम ने बताया कि बालिका के साथ एम्बुलेंस में स्वास्थ्य विभाग की टीम भी रवाना हुई है, जो रास्ते में बालिका की देखभाल करेगी। नगर कोतवाल अश्वनी पांडे ने बताया कि कड़ी सुरक्षा के बीच में बालिका को लखनऊ रवाना किया गया है। संवाददाता अशोक चौहान की खास रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।